चलो गाइस न्यू वीडियो, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। एंड आज की वीडियो में क्या होने वाला है अभी आपको बताता हूँ। सो यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट इंस्टेंट मील्स। एंड इंस्टेंट मील मतलब आपको इंस्टेंट तो सबसे पहले वही आता होगा, मैगी हो गई, आपकी नूडल्स हो गई, ये सब कुछ ठीक है। बट इंस्टेंट मील्स से ना ये सब चीज़ें भी आती हैं, जैसे हल्दीराम की सब चीज़ें आपको पता होगा ऑब्वियसली, बट स्टिल मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा एक जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि एक्चुअली में ये टेस्ट करती कैसी हैं। बट इससे पहले हल्दीराम के कुछ फैक्ट्स मेरा भाई बताएगा। भाई साहब फैक्ट्स बताओ फटाफट से हल्दीराम। हल्दीराम है हाँ, वो 1937 में बीकानेर में खुला था सबसे पहले। हल्दीराम बीकानेर में खुला था? अच्छा, और बीकानेर का खुला था वो बाद में बताएंगे, वो बाद में बताएंगे ठीक है, क्योंकि जब बीकानेर की वीडियो बनेंगे तब बताएंगे। और ये हल्दीराम है और ये बीकानेर में खुला था। और कोई फैक्ट भी भाई साहब? हाँ, ये है कि जो जब ये चालू हुए थे तो ये सब नमकीन बेचते थे। अच्छा, और कुछ मिलता है? सिर्फ नमकीन? और ये सब क्या हो रहा है भाई इस दुनिया में? मतलब ये तो राजमा रसीला, देखो ना जस्ट सिंपली रिटन राजमा, बट राजमा रसीले हैं वो, पुरानी दिल्ली छोले हैं। और यहाँ पर आपको दिखाया था वैसे ठीक है, ये कड़ी पकौड़ा है और ये है अपने छोले एंड राइस, सब कुछ राइस के साथ आता है ठीक है। एंड ये है राजमा रसीला ठीक है, राजमा रसीला ये छोले चावल एंड कड़ी पकौड़ा, कीपिंग इट सिंपल। राजमा रसीला क्यों है? पता है, राजमा काफ़ी रसीला है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पीछा देखो, मतलब बंदे ने थोड़ा पैसा लगाया है एक्चुअली। वैसे तो ग्रीन स्क्रीन आती है, मतलब लोग ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं, बट अपना बजट थोड़ा कम था तो मैंने फोटो सी चेप दी। तो देखो मतलब पैसे लगाए तो वसूल तो करेंगे। ये देखो ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा तो वसूल होना चाहिए ना, मतलब पैसे वैसे खर्च करें थोड़ा सा तो दिखाएंगे नहीं उसको। ये देखो यहाँ पर ये नींबू मिर्ची लगा दी है ठीक है, यहाँ पर अपनी कॉफ़ी लगी हुई है, यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर अंडे लगे, मतलब वेजिटेरियन ही देखे यहाँ पर कॉफ़ी है और मेरे पीछे छुपा हुआ है ठीक है। तो ये थोड़ा सा पैसा वैसा लगाया गया। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले इसको क्या करना है, इसको बनाना भी है, बट पहले आपको खोल के दिखाता हूँ अंदर डब्बे में निकलेगा क्या क्या, क्योंकि वो भी दिखाना इंपॉर्टेंट है। अब गर्मी कितनी हो गई है, जब सर्दियों में शूट करते थे तब तो ठीक था, बट अब जैसे गर्मियाँ हो रही हैं तो फैन ऑफ करके शूट करना होता है। मेरे भाई को इतने बर्फ्स आते, इतने डकार मारता साला पीछे से, बार बार मुझे कट लेना होगा, कितने डकार मारेगा, ऐसा क्या खा रहा भाई है ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट बॉक्स खोलते हैं और ये सारे 100 रुपीज़ के सब, ये तीनों के तीनों, और भी इसमें फ्लेवर्स आते होंगे बट अभी फिलहाल के लिए है ठीक है। सो पैकेजिंग इज़ क्वाइट गुड ठीक है, ऐसे बॉक्स में आता है, देन यू गेट अ बॉक्स लाइक दिस, जो टेक अवे बॉक्सेस होते हैं अपने जिसमें आपको रेस्टोरेंट से खाना मिलता है। ये है अपना राजमा रसीला ठीक है, ओए 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 चम्मच ठीक है, स्पून भी है, टिश्यू पेपर भी है। ये चीज़ अच्छी है, मुझे पता था इसके बारे में, बट थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। ओए 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 मेरे को पता था, पहले हमने इसका कौन सा वाला खाया, दाल मखनी वाला खाया हमने इसका, ये सब नहीं खाया हुआ। तो ये राजमा वाला साइड कर देते हैं। अच्छा, तो अब सेकंड वाला खोलते हैं। ये है अपना छोले एंड प्लेन राइस, एंड ये कुछ ऐसा है, ये छोले प्लेन राइस, इसके अंदर भी राइस है, राइस सेम है ठीक है दोनों में। एंड ये छोले है तो इसमें भी वही सब सेम चीज़ें हैं, टिश्यू पेपर एंड स्पून। तो इसको साइड कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ साइड पे। एंड अब ये है ठीक है लास्ट वाला, तो मुझे ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसके अंदर कड़ी के साथ पकौड़ा भी है। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, आई टेल यू गाइस, कि दे हैव एडेड कड़ी, ओके कड़ी इज़ फाइन, और वो पीछे डकार मर रहा भाई क्या मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ठीक है। इसमें कड़ी है एंड इसके अंदर पकौड़ा भी है, नॉट जस्ट इमेजिन कि आपको पकौड़ा ऐड करना है ठीक है एक ऐसी चीज़ के अंदर, जिसमें नॉट इवन फ्रोजन, ये आपको ऐसे शेल्फ में मिलेगा, फ्रोजन नहीं होता ठीक है, शेल्फ पे ऐसे ही पड़ा होता है, इसको उठाओ एंड बस गर्म करके खा लो। पता नहीं कैसे ये लोग करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, बट टेस्ट अच्छा होना चाहिए ठीक है। अब ये नहीं कि पकौड़ा डाल दिया बट अपना पकौड़ा बन गया, और सुबह पकौड़े आ रहे हैं, समझ लो ना क्या कह रहा हूँ मैं ठीक है। तो ये कड़ी पकौड़ा है और ये राइस है, ये ऐसे लगता प्लास्टिक के राइस हैं बट है नहीं, ऐसी बोल रहा हूँ ठीक है। और ये कड़ी है, पकौड़े हैं अंदर, हैं ये पकौड़े इसके अंदर हैं ठीक है। ये कड़ी है और ये स्पून है और ये टिश्यू पेपर है। तो ये सारे हमने खोल लिए ठीक है, हमें इसको गर्म करना है माइक्रोवेव के अंदर। इस रिटन अच्छा, तीन तरीके के वेस्ट है इसको बनाने के लिए। रिमूव द पाउच इन बॉइलिंग वाटर फॉर 3 to 5 मिनट्स, कट ओपन एंड सर्व हॉट, एक तो ये तरीका है। देन सेकंड वे इज कट पाउचेस एम्प्टी कंटेंट इनटू माइक्रोवेव डिश, हीट ऑन हाई सेटिंग फॉर 1 to 2 मिनट्स एंड सर्व हॉट। देन द लास्ट वे, द थर्ड वे इज मेक अ स्मॉल कट ऑन टियर नॉच ऑफ पाउचेस एंड प्लेस अपराइट ऑन माइक्रोवेव डिश, हीट ऑन हाई सेटिंग फॉर 1 to 2 मिनट्स एंड सर्व हॉट। तो तीनों तरीके से बना सकते हो, माइक्रोवेव नहीं है तो ऑब्वियसली आप उस तरीके से बनाओगे फर्स्ट वाले से, एंड अगर माइक्रोवेव है तो दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हो ठीक है। तो अभी इसको मैं बना के आता हूँ एंड फिर आपको दिखाता हूँ कि कौन सा टेस्ट बेटर कर रहा है या तीनों ही टेस्ट अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता टेस्ट करते कैसे ठीक है। बनाते हैं फिर खाते हैं, ओके ओके। तो मैं तीनों की तीनों चीज़ें रेडी हो गई है, एंड अच्छा कि दियो ज़रा पास करियो, ये दियो राजमा, हाँ तो ये रहा ये, एंड ये भी दे दे,
और ये रहा लास्ट वाला, ठीक है। तो हमारी तीनों की तीनों चीज़ें ये रही, आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये है अपने छोले एंड राइस, ओके। तो इसके अंदर छोले हैं, राइस है, सो एज यू कैन सी सी तो ऐसा दिखता है, ठीक है। एंड राइस की क्वालिटी सच बता रहा हूँ इतनी अच्छी लग रही है, लाइक यू कांट इवन से दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस बॉक्स, यू कांट इवन से, राइट? बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है फ्रेश है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन टेस्ट, बट जो इसकी लुक्स हैं, जो दिख रहा है, बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा। तो दीज आर छोले चावल एंड पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू गाइस अ लुक ऑफ दिस थिंग, स्पून दी। तो ये है राजमा चावल, ओके। तो काफ़ी लोगों को राजमा चावल पसंद है, मुझे तो पसंद नहीं, मुझे पसंद है ढाबों के, वो जो भैया बनाते हैं पतीलों में, बड़े बड़े पतीलों में, मुझे वो पसंद आते हैं। तो ये है राजमा चावल एंड इसके अंदर भी राइस है, राइस सब में सेम है, ठीक है। तो ये भी देखने में बिल्कुल लग नहीं रहा यार, मतलब कैसे बनाते हैं लोग, मेरे को समझ नहीं आता कि इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से पैक करते हैं कि ख़राब नहीं होता। अब लास्ट चीज़ अपनी ये है कढ़ी चावल। कढ़ी चावल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तू है? हाँ है। और इसमें पकोड़े भी हैं, मतलब ये छोटे छोटे पकोड़े हैं, एक है और एक थोड़ा टूट गया है, बट स्टिल जो भी है, मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार ये पहले ही ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसे है यही बहुत बड़ी बात है। इसमें भी राइस है एंड दिस कढ़ी एंड खुशबू एकदम फ्रेश वाली है। पहले टेस्ट करते छोले, पहले छोले डाले ना, ठीक है। तो ये पहले छोले डालते हैं, क्योंकि अपने स्पून लिया फटाफट से, क्योंकि मैं इसके अंदर अलग से रखता हूँ, एंड देखते हैं कैसे इसका टेस्ट है, मतलब अच्छा है या नहीं है। 1 2 3 आई गेस इट्स हॉट, लेट्स सी, ठीक है। ओके, आई विल टेक अनदर बाइट एंड गिव यू गाइस अ क्लोजर लुक। सी, दिस इज टेस्टिंग वेरी गुड, बट दिस स्लाइट फ्लेवर ऑफ दोस प्रिजर्वेटिव्स व्हिच वर एडेड टू दिस थिंग, एंड वो आएगा, चाहे प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो, एक पैकिंग का जो कुछ एक टेस्ट होता है जो पैकेज फूड में आता है, जो भी ऐसे होता है, सब्जियां होती हैं, राइस होते हैं, उनमें आता है, सो यू कैन एस्केप दैट। भाई क्या हो रहा है भाई, वीडियो बना रहा हूँ यार, क्या मैनेज नहीं, टेबल मैनेज नहीं आपको, कहाँ से आ रहे भाई? अभी देखते हो वीडियो बात में क्या करता हूँ, रुक जा तू, ठीक है। तो अभी अपना ये छोले चावल है, अच्छा टेस्ट है, तो कैसा लगा? मतलब लग नहीं रहा, बट वो दिस इज लाइट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। वो आएगा, उसको नहीं छोड़ सकते, वो आएगा ही आएगा, पैकेजिंग का होता है, सब कुछ होता है, वो आएगा, बट टेस्ट इज फैबुलस, इज टेस्टिंग डैम गुड। ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस थिंग, राजमा नसीला, ठीक है। और इसको टेस्ट करते हैं, मैं बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ये रे, ना, नो, नॉट ऑल गुड, दे गॉट अ बिट सिंथेटिक टेस्ट, बे not all tasting good, no way you can eat this, don't even try this, if you are living in India, aapko ramen chawal kahin se mil jayenge, ye waise un logon ke liye mereko lagta hai sahi hai, people who are working or people who can't cook, bachelors wagera aise hote hain, ya phir jo log bahar rehte hain jinko ye sab khana nahi milta, but ramen chawal is a big no, it's a big thumbs down and a big no, don't even try this thing, ramen chawal, chole chawal you can, they're tasting good, this last thing jiske humme bahut zyada expectations hai is cheez se, जो है कड़ी चावल, क्योंकि इसमें से खुशबू जो आ रही है ना, वो फ्रेश वाली आ रही है, तो अगर ये वैसा टेस्ट नहीं करा ना, बड़ा दुख होगा। वैसे हो सकता है कि ये टेस्ट सही करे भी, एंड अब कड़ी चावल टेस्ट करता हूँ एंड आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। बैंग ऑन, माय गॉड, आई डोंट नो हाउ दे मैनेजिंग टू डिलीवर दिस टाइप ऑफ टेस्ट इन बॉक्सेस लाइक दिस। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन कि सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा कर रहा है। तो सबसे अच्छा टेस्ट ऑब्वियसली कड़ी कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। एंड तू कितना रेटिंग देगा? सो 10 में से, इट्स 10/10, बट एक चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है, ट्राई नहीं करनी है, वो है ये राजमा, ठीक है, बिल्कुल ट्राई मत करना। द नॉट ऑन टेस्टिंग गुड, सो ट्राई करना बनता ही नहीं है, क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं है, अजीब सा टेस्ट आ रहा है, बड़े स्लाइमी सा टेस्ट आ रहा है, दे आर यू नो ओके, एक्सपायरी नहीं है ये, अपनी इसकी शेल्फ लाइफ अभी है, बट टेस्ट अच्छा नहीं है, यू कैन अवॉइड दिस, बट कड़ी जरूर ट्राई करना प्लीज, आई एम टेलिंग यू गाइस दैट कड़ी इज अ मस्ट ट्राई। एंड आज की वीडियो में इतना ही, आई होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता हो क्या करना है, थोड़ा सा दिखा दूँ फिर से, आपको पता हो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और बेल आइकन को दबाओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, मतलब अभी वीडियो डालूंगा, अच्छा वीडियो आ गई है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। सो आई सी यू गाइस सून विद अनदर कूल वीडियो ऑन दिस चैनल, टिल दैट टाइम जस्ट योर डेली बॉय वंस अगेन सेइंग बाय।